हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे के आर एन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में सो so इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और हमने इस वीडियो में इस आईपीओ का एनालिसिस किया है तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप देख सकते हैं मिनिमम क्वान्टिटी है सिक्सटी शेयर्स का प्राइस रेंज है फ्राम टू 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 सो so, अगर हम एक लॉट खरीदते हैं एट द प्राइस ऑफ रुपीज़ टू हंड्रेड एंड नाइन तो वो अमाउंट होता है थर्टीन थाउजेंड फाइव एटी फाइव रुपीज़ सो so, अगर आपको इस आई में निवेश करना है तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा थर्टीन थाउजेंड फाइव एटी फाइव रुपीज़ इन्वेस्टर टाइप है इंडिविजुअल इन्वेस्टर इश्यू साइज ऑफ़ वन पॉइंट फाइव लॉट साइज़ ऑफ सिक्स फाइव शेयर्स IPO स्टेटस यानी कि IPO के टाइम देख लेते हैं ऑफर स्टार्ट होता है ऑन ट्वेंटी सितंबर 2024, ऑफर एंड होता है ऑन ट्वेंटी सितंबर 2024, अलॉटमेंट होता है ऑन 30th सितंबर 2024, रिफंड इनिशिएट होता है ऑन 1st अक्टूबर 2024, डीमैट ट्रांसफर होता है ऑन फर्स्ट अक्टूबर 2024, लिस्टिंग होता है ऑन थर्ड अक्टूबर टू और मैंडेट एंड होता है ऑन ट्वेल्थ अक्टूबर टू तो ये है के आर एन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन का आर एच पी यानी कि रेड इयरिंग प्रोस्पेक्टस आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो इन अलवर राजस्थान प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी के नाम भी यहाँ पर मैंशन है डिटेल्स ऑफ द इशू रिस्क इन रिलेशन टू तो द फर्स्ट इशू जनरल रिस्क इन वार्ड इशूज एफ रिस्पांसिबिलिटी लिस्टिंग और डिटेल्स ऑफ बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के नाम भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो सो इस रेडेयरिंग प्रॉस्पेक्ट्स में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इफॉर्मेशन देखने को मिलेगी जैसे कि इस स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है पूरे दस रुपये अबाउट द कंपनी फाइनेंशियल इफॉर्मेशन लीगल एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड इशू रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगी सो so, एक बार इस रेडियरिंग प्रॉस्पेक्ट्स को ज़रूर पढ़ लीजिए ये आपको सेवी के से के वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा चलिए जान लेते हैं अबाट के आर एन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड आई पी ओ के बारे में सर एन हीट एक्सचेंजर आई पी ओ इज अ बुक बिल्ड इशू ऑफ थ्री फोर्टी वन पॉइंट नाइन फाइव करोर रुपीज़ द इशू इज एंटायरली अ फ्रेश इशू ऑफ वन पॉइंट फाइव फाइव करोर शेयर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है जैसे कि प्राइस बैंड लॉट साइज ऑफ सिक्सटी फाइव शेयर टोटल इशू साइज ऑफ फिफ्टीन पॉइंट फाइव मिलियन शेयर्स फ्रेश इशू है ऑफ फिफ्टीन पॉइंट फाइव मिलियन शेयर्स बुक बेट इशू आई है लिस्टिंग एट बी एस सी शेयर होल्डिंग प्री इशू है ऑफ़ 43.9 मिलियन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा 59.5 मिलियन यहाँ पर आप आईपीओ रिजर्वेशन भी देख सकते हो कि आई बी शेयर आर नॉट मोर देन 50% परसेंट ऑफर रिटेल शेयर्स आर नॉट लेस देन 35% परसेंट ऑफ द नेट इशू एंड एच एन के लिए है नॉट लेस दैन फिफ्टीन ऑफ द नेट इशू आई पी हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी आई पी साइज भी यहाँ पर मैंशन है आई पी एफ प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं शेयर होल्डिंग प्री इशू है नाइन्टी फोर पॉइंट थ्री नाइन परसेंट चलिए जान लेते हैं अबाउट के आर एन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड के आर एन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन इज लीडिंग मैनुफैक्चर ऑफ फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स द कंपनी मैनुफैक्चर्स कॉपर एंड एल्यूमिनियम फिन एंड कॉपर ट्यूब्स हीट एक्सचेंजर्स वाटर काइल्स कंडेंसर कोयल्स एंड एवेपोरेटर कोयल्स

आर ओ ई एज फोर्टी पॉइंट एट सिक्स परसेंट आर ओ सी ई एज थर्टी वन पॉइंट टू वन परसेंट डेड टू इक्विटिस पॉइंट फोर फाइव आर ओ एन डब्ल्यूज़ ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स एट परसेंट पैट मार्जिनज ट्वेल्व पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट प्री आई पी ओ ई पी एस यानी कि अर्निंग्स परशर है एट पॉइंट एट एट रुपीज़ पोस्ट आई पी ओ वो 78, वो 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 होगा सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स रुपीज़ प्री आई पी ओ पी ई रेशियो ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन एट पोस्ट आई पी ओ व होगा थर्टी थ्री पॉइंट फाइव टू यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू भी देख लेते हैं इन्वेस्ट इन द होली ओन सब्सिडियरी के आर एन एच वी एस सी प्रोडक्ट्स फॉर सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट नीम राना अलवर राजस्थान एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पजेज तो यहाँ पर आई पी ओ रिव्यू मैंशन है कि यू कैन अप्लाई इन दिस आई पी ओ एज पर दिस वेबसाइट ऑल द यू कैन डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी आई पी ओ द कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग एमरजर लीडर इन फिन ट्यूब्स एंड अदर हीट एक्सचेंज रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर बी टू बी सेगमेंट and has blue chip clients like Daikin, Bluestar, Voltas, Carrier, Aircon to name a few. It marked a good growth for FY23 and FY24, and with the expansion plans afoot, it is poised for galloping performance in coming years. Though based on FY24 earnings, the issue appears fully priced. Investors may lap it up for medium to long term. सो so, ये था आई एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी ऐसे ही इंटरेस्टिंग आई पी एनालिसिस स्टॉक स्प्लिट्स बोनसेज एंड डिविडेंड पेयर की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डेड